नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में HW24 न्यूज मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है और इसी दौर के बीच हम आम जनता के बीच जो चर्चाएं हैं उनको लेकर सवाल पूछते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से। आज कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र आर्य, जीतू पाटीदार जो कि जीतू भाई के नाम से सबसे ज़्यादा क्षेत्र में परिचित हैं। जीतू भाई, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इस बार विकास के मुद्दे से ज़्यादा लाडली बहना के 1000 रुपये हावी रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में बनी है तब से लगातार नई नई योजनाएं बनाकर उनको प्रदेश में लागू कर रही है। लाडली बहना के योजना के पहले भी और बहुत सारी सैकड़ों योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है, उनको जमीन पर बनाकर लागू की है और उनको जनता का फायदा मिल रहा है। तो हम तमाम योजनाओं जिन यानी हितग्राही मूलक योजनाओं और विकास के जो काम आज दिख रहे हैं आपको चहुं और पूरे मध्य प्रदेश में, इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन जितेंद्र जी, कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस काफ़ी पावर में है, उनका ये मानना है कि कांग्रेस की जो जीत है उस जीत ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की जीत की नींव रखेगा वो। कर्नाटक में सरकार हमारी कभी बनी कभी दूसरे दलों की बनी, लेकिन यहाँ पर लगातार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हर जगह हम अधिकांश बहुमत में हैं, चाहे वो जनपद जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव हो, या फिर विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के हो, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार बहुमत में ही रही है। देखिए, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में इन 18 सालों में जो आप कर रहे हैं, भाजपा ने कई विकास कार्य किए हैं और जो विकास कार्य नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा जो है विकास कार्यों की जानकारी देने के बजाय अपने ऊपर लग रहे आरोप उनका ही जवाब देते देते थक चुकी है। जैसे अभी हाल ही में आदिवासी के साथ अमानवीय कृत्य की जो घटना हुई उसमें मुख्यमंत्री को खुद को ये रहा कि जो पीड़ित था उसके घर जाकर के माथा तक टेकना पड़ा। नहीं, माथा नहीं टेकना पड़ा, ये तो गलत जानकारी है। और मेरा ये कहना पड़ा है कि कहीं ना कहीं उसके सामने साष्टांग होना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सर्वहारा वर्ग के उत्थान का काम करती है, सभी समाज को साथ में लेकर और सभी को महत्व देती है, सबका सम्मान रखती है, वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, सभी का सम्मान बरकरार रहे, उनका सम्मान घर में भी बरकरार रहे और जनता के बीच में भी उनका सम्मान बरकरार रहे, इस दिशा में हमारी सरकार योजनाएं भी बना रही है। और जो अभी आप घटना की बात कर रहे हो तो ये घटना एक कोई जाति देखकर घटना नहीं हुई है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है और जो होती है उसमें कोई जाति नहीं देखी जाती। ये तो लोगों ने कि वो आदिवासी है इसलिए उसको मुद्दा, विरोधी दलों ने कि आदिवासी है तो इसको तूल पकड़ा दिया, लेकिन ऐसा कोई मतलब इसको दुर्घटना माना जाए, दुर्घटना या ना दुर्घटना नहीं, घटना जो भी घटी है, दुर्घटना भी हो या घटना हो, वो कोई जाति देख के नहीं घटती है कि ये इस जाति का है तो इसलिए, वो तो अमली जामा उसको जाति का पहना दिया कि आदिवासी है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी तक भाजपा जो थी हिंदुत्व का झंडा उसी के हाथ में था, लेकिन इस बार कमलनाथ कुछ नई रणनीति लेकर के आ रहे हैं और सुनने में आया है कि वो भी धर्म यात्राएं शुरू करने वाले हैं जिनमें संत महात्माओं को शामिल किया जाएगा और जनता के बीच वो हिंदुत्व की बातें करेंगे, तो क्या ऐसा नहीं कि एक तरह से भाजपा का मुद्दा छीनने का प्रयास कर रही कांग्रेस मध्य प्रदेश में? भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा को साथ में लेकर काम कर रही है, आज से नहीं कर रही है, वो शुरू से कर रही है और उसमें हिंदुत्व के मुद्दे को
कांग्रेस ले रही है, आपका ऐसा कहना है कि उस पर वो कब्जा करना चाह रही है, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। वो तो एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, आम जनता जनता भी जानती है कि एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं पूरे देश में, और एक तरफ जिन लोगों ने राम के खिलाफ 10-10 वकील कोर्ट में खड़े किए सुप्रीम कोर्ट में कि राम थे ही नहीं, राम के कोई अवशेष ही नहीं है, राम तो एक काल्पनिक पुरुष हैं, ऐसी एक उन्होंने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों को खड़ा करके अपनी मंशा जाहिर करी दी थी कि वो धर्म के साथ है कि अधर्म के साथ है। देखिए मध्य प्रदेश में अब वो भले ही इसका ढिंडोरा पिटा करे, दिखावा करा करे, लेकिन जनता सब जानती है, और वो राम मंदिर का मुद्दा हो या अन्य हिंदुत्व के मुद्दे हो, उस पर कांग्रेस पूरे देश में एक्सपोज है। यानी कुल मिला के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी जी के नारे सबका विश्वास के आधार पर ही चुनाव लड़ेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर भी रही है, और वो मुद्दा भी हमारा कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो दिखाना तो पड़ेगा ना, जनता को दिखा भी रहे हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, भूल जाती है ना जनता, इसलिए उसको दिखाना तो पड़ेगा ना कि भाई प्रचार तो करना पड़ेगा, बगैर प्रचार के कोई संभव नहीं है, भूल जाता है आदमी लेके कि यार मैंने ये दिया है, लेकिन जब जाते हैं उसको याद दिलाते हैं कि भाई तूने प्रधानमंत्री आवास लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया और बगैर मांगे दिया है, कोई मांगने नहीं आया था कि मेरे को प्रधानमंत्री जी की सोच थी और मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि ये गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीब परिवेश में पले बड़े हैं, इनको मालूम है कि कब कब जीवन में कब कब तकलीफ आती है एक गरीब आदमी को, तो उसके हिसाब से योजनाएँ बनाई उन्होंने, उन्होंने किसी से पूछा नहीं कि भाई तेरे को ये तकलीफ है, खुद ने भोगा है, इसलिए उन्होंने योजनाएं बनाई और उनको जीवन में लागू कर रहे हैं कि आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठे। जितेंद्र जी, आप लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, युवा मोर्चा के भी आप जिलाध्यक्ष रहे और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कृषक हैं स्वयं। खरगोन जिले की हम बात करते हैं इन विधानसभा चुनाव को लेकर, तो निमाड़ में जो कृषि है, जैसे मिर्च की फसल है आपका क्षेत्र, जो कसरावा क्षेत्र है वो भी मिर्च की फसल को लेकर काफ़ी विख्यात है, गन्ने की फसल यहाँ पे होती है काफ़ी मात्रा में होती है, कपास का उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन इस पर आधारित जो उद्योग हैं, जैसे यहाँ पे एक शुगर मिल है बहुत पुरानी, उसके अतिरिक्त हम देखें कि इन फसलों को संरक्षण देने के लिए किसानों को अच्छी मात्रा में उनको मूल्य मिल सके, इसको लेकर क्योंकि इन पर आधारित उद्योगों का विकास नहीं हो पाया, क्या कारण रहा? आपने अभी देखा नहीं है यहाँ पर क्या है कि टमाटर बहुत मात्रा में होते हैं, रोज़ 50 से 60 ट्रक 70 ट्रक टमाटर यहाँ पर निमाड़ में पैदा होते हैं, और उसका 50% भाग कसरावत तहसील में ही पैदा होता है, यानी 20-25 ट्रक टमाटर कसरावत तहसील से जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जैसे मिर्ची का आप बता रहे हैं, तो अभी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया यूनिट 2 साल से शुरू हो गई है, केचप की फैक्ट्री डाली है, एक प्राइवेट फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में, और उस फैक्ट्री के माध्यम से ये सारे उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनको खरीद करके और उनका प्रोसेस यूनिट में प्रोसेस करके उसको मार्केट में भी बेचा जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एक्सपोर्ट यूनिट भी बहुत सारे यहाँ पर निमरानी औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिनमें फूड प्रोसेसिंग, फूड की यानी खाने की चीज़ों की प्रोसेस की जा रही है, और भी यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत सारे सब्सिडियाँ, अनुदान और नई नई वो यूनिट के लिए नए नए प्रस्ताव मंगाए हैं, वो बहुत सारे लोगों ने दिए। आटा फैक्ट्रियाँ यहाँ पर 5-6 आटा फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी, जिनमें आटा बना के पूरे देश में आटा भेजा जाता है और विदेशों में भी यहाँ से आटा सप्लाई होता है, ऐसी बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट यहाँ पर डली हुई है। जितेन जी, खरगोन जिले में हम ये देख रहे हैं कि जो उद्योग न डलने से, नए उद्योग न डलने से जो बेरोजगार हैं, जो मजदूर हैं, वो अन्य क्षेत्रों में पलायन करते हैं। हम हर बार देखते हैं गुजरात भारी तादाद में खरगोन जिले से लेबर जाता है, पढ़े लिखे युवा भी सही ढंग से उनको उद्योग न मिलने से, स्थानीय रोजगार न मिलने से वो भी पलायन कर रहे हैं। तो आखिर उद्योगों की ये स्थिति, आपने वैसे बताया कि कुछ यहाँ पर प्रोसेसिंग इकाइयाँ डली हैं जिससे किसानों को लाभ हो रहा है और ये भाजपा का अच्छा प्रयास रहा है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बड़ा उद्योग नहीं डल पाया जिसके कारण यहाँ का जो शिक्षित बेरोजगार है यहीं पर रोजगार पा पाए, तो आखिर उसके क्या प्रयास कर रही पार्टी, क्या कोई योजना है? कसरावत विधानसभा में कम से कम 225 यूनिट डली हुई है जी, 225 उद्योग छोटे बड़े डले हुए हैं, उनमें दूसरे प्रदेशों के भी मजदूर आकर यहाँ पर काम करते हैं,
उन्होंने वहाँ पर अच्छी फैक्ट्रियों में प्रशिक्षण लेके यहाँ पर आए तो यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रशिक्षित लेबर है या कर्मचारी है वो दूसरे प्रदेशों में जाके उनकी मांग ज़्यादा है, उनको ज़्यादा सैलरी वहाँ दी जा रही है तो वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग विदेशों में भी जा रहे हैं। यहाँ के दक्ष कृषक यानी दक्ष मजदूर और कर्मचारी वो बाहर विदेशों में भी काम कर रहे हैं। यहाँ के इंजीनियर डॉक्टर विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जो मजदूर वर्ग है हम हर बार देखते हैं, जाते हैं उनके ट्रालियों के एक्सीडेंट होते हैं, पूछने पे ही पता चलता है कि आप साहब यहाँ काम नहीं है इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। नहीं नहीं, अब तो पलायन का कोई सवाल ही नहीं, पलायन नहीं कर रहे हैं वो यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर मजदूरी मिल रही इसलिए वहाँ भी काम करने जा रहे हैं और उनकी आवश्यकता वहाँ ज़्यादा भी है क्योंकि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, धनाढ्य प्रदेश है और वहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर लेबर की कमी है इसलिए वो ज़्यादा से मजदूरी देकर यहाँ से लेबर ले जाते हैं। जितेंद्र जी, खरगोन जिले की पूरी 6 जो विधानसभा सीटें हैं वो कांग्रेस के पास हैं, एक विधायक जो बढ़वा के हैं वो भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया लेकिन अभी अधिकृत रूप से वो कांग्रेस के विधायक हैं। आने वाले समय में ऐसी क्या रणनीति अपनाई जाएगी या उसके लिए क्या आप ऐसा कुछ तैयारी कर रहे हैं जिससे ये 6 विधानसभा सीटें जो है फिर से भाजपा के कब्जे में आ जाए? पिछली बार कांग्रेस ने बरगला कर वोट ले लिया, लोगों को लोक लुभावन सपने दिखाए, उन्होंने किसानों को कहा कि 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे, उन्होंने युवाओं को कहा कि हम तुमको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, उन्होंने महिलाओं को कहा कि हम आपको समूह का लोन माफ़ कर देंगे, उन्होंने सभी वर्गों को कुछ ना कुछ झूठे वादे दिखाए लेकिन उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए। इसके विरोध में कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी और बगावत करके उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो योजनाएं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी उनको बंद कर दिया था, उनको पुनः हमारी सरकार बनने के बाद हमने शुरू किया। उससे किसानों को भी फायदा हुआ, उससे मजदूरों को भी फायदा हो रहा है, उससे आप जैसे बेरोजगारों की बात कर रहे हो, बेरोजगारों के लिए भी हमारी सरकार ने अभी सीखो कमाओ योजना शुरू करी। उस सीखो कमाओ योजना में व्यक्ति 18 साल से 30 साल के व्यक्ति को 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक उसको स्टाइपेंड दिया जा रहा है और उसको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 1 साल तक उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसको हर महीने उसको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा अलग अलग शिक्षा के हिसाब से और उसके बाद उसको जहां पर वो प्रशिक्षित हो जाएगा तो उसको नौकरी भी दी जाएगी। जैसा कि आपने बताया या खुद का उद्योग धंधा डालना है तो उसको उसके लिए भी लोन दे रही है। देखिए, आपने लोन की बात करी तो मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि लोन को लेकर मुख्यमंत्री जब यह कहते हैं कि आप लोन लेने जाओ गारंटी मेरी, लेकिन बैंकों में जाने के बाद स्थिति इसके उलट हो जाती है। देखो, बैंक वाला कहता है कि आप गारंटी स्वयं लेके आओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब शासन किस प्रकार की गारंटी दे रही है? मैं ये जानना, सरकार हमारे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बहुत सारा है जी, उस औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कसराव विधानसभा में ही है जी, निमरानी, वहाँ पर बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला है जी। और हमारी सरकार की जो योजना है कि 50,000 रुपये से माइक्रो फाइनेंस हमारी सरकार कर रही है बगैर ब्याज का, एमएसएमई में बगैर ब्याज का फाइनेंस भी कर रही है, अनुदान भी दे रही है 50,000 से लेकर 5 करोड़ तक के उद्योग या दुकान व्यवसाय जो भी आपको करना है, फुटकर व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक, मध्यम उद्योगों के लिए सबके लिए अनुदान और लोन की सुविधा हमारी सरकार ने शुरू की है, उनको भी मिल रहा है। आज आप बाजार में जाओ तो ठेले वाले को भी 50,000 रुपये मिले हैं, वो भी उसका उपयोग कर रहा है, उसने ठेले से कुछ 2 ठेले कर लिए, बड़ी दुकान कर ली है और उसको 0% बगैर ब्याज का मिल रहा है लोन और कोई गारंटी नहीं है उसमें। ऐसे सैकड़ों क्या हजारों करोड़ों लोगों को सरकार ने लाभ दिया है। हाँ जितेंद्र जी, आपने बताया कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों को लेकर, रोजगार को लेकर और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो योजनाएं बनाई हैं यही भाजपा की जीत का आधार बनेगा प्रदेश में। और आपने साथ ही बताया कि खरगोन जिले में आप जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं कसरावत, वैसे पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरे जिले का आप विवरण रखते हैं, जिले में भी आपको उन्हीं योजनाओं के कारण, उन्हीं विकास के कारण जीत मिलेगी। ब्रेक के बाद हम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र आर्य जी से पूछेंगे कि कसरावत विधानसभा में वो कौन से मुद्दे होंगे जो यहाँ पर कांग्रेस को पराजित करके भाजपा को जीत दिलाने में असरकारक साबित होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो।
नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। ब्रेक के बाद नेताजी हाजिरो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कसरावद विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता जितेंद्र आर्य से, जो कि पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जितेंद्र जी, कसरावद विधानसभा में आपके सामने एक मजबूत चुनौती है कांग्रेस की ओर से। स्वर्गीय सुभाष यादव, जो दिग्गज सहकारिता नेता रहे, उनके पुत्र सचिन यादव यहाँ पर विधायक हैं। पिछले ये दूसरा टर्म है और तीसरी बार वो माना जा रहा है कि वही चुनाव लड़ेंगे। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर भाजपा क्या प्रयास कर रही है? भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पर भी जो सरकार की योजनाएं हैं, उसके अलावा जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन स्थानीय समस्याओं को पूरा हल करने का प्रयास कर रही है। क्या समस्या? कांग्रेस ने यहाँ पर एक भी काम ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यहाँ दिखा पाए कि हमारे द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपने देखा हो, हॉस्पिटल बना है। हॉस्पिटल का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ने कराया है। यहाँ पर जो कॉलेज दिख रहा है, कॉलेज इन्होंने कई वर्षों तक खुलने नहीं दिया। कॉलेज खुद के गांव में इन्होंने कॉलेज खोल के रखा, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार में, मैं खुद उस कॉलेज का अध्यक्ष रहा, पहले यहाँ पर अस्थायी रूप से हायर सेकेंडरी स्कूल में लगा, उसके बाद उसका बिल्डिंग स्वीकृत कराकर बिल्डिंग बनवाया और बिल्डिंग बनाकर वहाँ पर कॉलेज अभी संचालित हो रहा है। कई विद्यार्थी वहाँ पर शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ITI कॉलेज है। ITI भी यहाँ पर कांग्रेस ने खुलने नहीं दिया, उन्होंने खुद का प्राइवेट ITI कॉलेज खोल रखा है, उससे पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मुफ्त में हम उनको ITI हमने खुलवाई और हमारी सरकार में खुलवाने के बाद उनको मुफ्त में ITI की प्रशिक्षण दे रहे हैं और वो लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और कई लोग अब दूसरी जगह नौकरी भी कर रहे हैं। तीसरा, सेंट्रल स्कूल यहाँ पर 26 करोड़ रुपये का बिल्डिंग अभी अस्थायी खुलवाया। हमारी सरकार में 10 साल से अस्थायी रूप से एक बिल्डिंग में लग रहा है सेंट्रल स्कूल, जिसको भी वो बंद कराने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनका प्रियदर्शनी के नाम से प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है, उसके कारण उसको लाभ नहीं होता, इसलिए उसको पैसा नहीं कमा पाते, इसलिए उनको बंद करने का प्रयास किया। हमने 26 करोड़ रुपए का बिल्डिंग स्वीकृत कराया और अभी बहुत बढ़िया स्पीड से काम चल रहा है। अगले साल उसमें विद्यार्थी उसी बिल्डिंग में अपना अध्यापन करेंगे। और भी हमने अभी कसरावद से पीपलगोन रोड 47 करोड़ रुपए की रोड इतना इनकी सरकार में इनने स्वीकृत कराई, ना कुछ कराई, ये केवल ढोंग रचते हैं, ये तो बता देते हैं हमारे पिताजी का सपना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम करती है, अभी 47 करोड़ का रोड हमने स्वीकृत कराया, टेंडर लग गया है, टेंडर स्वीकृत हो गया है, 2-4-8 दिन में काम शुरू होने वाला है। उसका हम सब लोग भूमि पूजन भी करेंगे, फिर वो आ जाएंगे, हमारे पिताजी का सपना था। और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे सौभाग्यशाली है कसरावद विधानसभा के लोग कि यहाँ पर 90% गाँव में पीने का पानी और खेतों में पानी, फसलों के लिए जो पानी जा रहा है, वो नर्मदा जी का पानी हमारी विधानसभा के 90% गाँव में पहुंचने वाला है। अभी उस पर 70% काम हो गया है, 70% खेतों में पानी और गाँव में पानी पहुंच गया है। अभी एक पीने के लिए 247 करोड़ की एक योजना 130 गाँव में, वो खलटाका से शुरू हुई है, एक पॉइंट खलटाका से शुरू होके और एक लेपा से शुरू होके दोनों का यू टाइप ऐसा मिलान होगा और 130 गांव में पूरी विधानसभा के RO का बढ़िया पानी पीने का मिलेगा। अभी आप यहां से जाओगे तो पाइप आपको दिखेंगे जगह जगह रखे हुए और कई जगह मशीनें चल रही है, स्पीड से काम हो रहा है। अगले साल तक पूरे गाँव में पीने के पानी की समस्या का पूरी तरह से निराकरण होगा और सभी लोग माँ नर्मदा का पानी पियेंगे। खेतों में आप देखो तो यहाँ पर नहरों का जाल बिछा हुआ है। अभी 2 उद्वहन सिंचाई योजनाएं बड़ी बड़ी चल रही है जो हमारी सरकार में स्वीकृत हुई है। एक बलकवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना, जिसके माध्यम से करीब 42 गांवों को पानी खेतों में नर्मदा जी का पानी मिलेगा, उस पर करीब करीब कार्य पूर्ण हो चुका है, उसकी टेस्टिंग हो गई है, 8-15 दिन महीने भर में उसका उद्घाटन हो जाएगा। दूसरी चोंडी जामनिया उद्वहन सिंचाई योजना है, वो भी करीब करीब 70-80% उसका काम पूर्ण हो गया है, 1-1.5 साल के अंदर वो भी योजना शुरू हो जाएगी, तो उसमें भी 40 गांव के आसपास लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे हमारी विधानसभा के करीब 80 गांव तो ये 2 योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर ओंकारेश्वर परियोजना और आपकी नर्मदा सागर परियोजना, ये दोनों से जो पानी आ रहा है,
पुनासा परियोजना थे, इसके माध्यम से हमारी विधानसभा के करीब 60% गांव लाभान्वित हुए हैं, उनमें पानी आ ही रहा है पहले से। जितेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने सारे विकास कार्य करवाए, और आपका ये आरोप है कि जो कांग्रेस के विधायक है वो अपने पिता का सपना इसको बताते हैं, लेकिन हमने जब उनसे चर्चा की तो उनका ये कहना है कि इन योजनाओं की जो शुरुआत है, इसमें से जैसे इंदिरा सागर परियोजना है, ओंकारेश्वर परियोजना है, इनकी शुरुआत उनके पिताजी के कार्यकाल में हुई, और उन्होंने कृषि मंत्री रहने के बाद इस क्षेत्र में, सचिन यादव जी ने इस क्षेत्र में कई सड़कें और नहरों को जो जो काम बंद पड़े थे, अधूरे पड़े थे, उन लोगों ने उस विकास कार्य को आगे बढ़ाया, और वो कह रहे हैं कि ये सारी योजनाएं जो है उनके कार्यकाल की है और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, जबकि भाजपा कह रही है कि ये हमने करवाया। देखो कितनी सच्चाई, पहली बात तो ये है कि पत्थर गाड़ देने से कोई कार्य की पूर्णता नहीं हो जाती है। पत्थर मैं आज यहाँ पर गाड़ दूँ है ना, और उससे कह दूँ कि ये मेरे पिताजी का सपना है और ये पूरा होगा, और आप 20 साल तक सरकार में रहेगी, 30 साल तक सरकार में रहे और आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन जब वो रास्ता देखा करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और ये इसको पूरा करेगी, और हम जाके सिर्फ बैनर लगा के बता देंगे कि हमारे पिताजी का सपना था, हाँ वो पूरा हो गया। ऐसे ही ओंकारेश्वर परियोजना के बारे में भी झूठ बोल रहे हैं। ओंकारेश्वर परियोजना का शिलान्यास अभी भी पत्थर लगा है, आप जाके देखना, और मैं खुद भी उसमें उपस्थित था, माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने उसकी आधारशिला रखी थी, और मात्र 11 महीने में पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई सा प्रकल्प नहीं होगा जो समय से पूर्व पूरा हो गया। इसको एक साल का समय था और मात्र 11 महीने में वो डैम बन के उससे पानी नहरों से आना शुरू हो गया, और वह उसका उद्घाटन भी माननीय अटल जी ने किया था। इनके पिताजी का कोई सपना, इनके पिताजी का कोई रोल ही नहीं था, इनके पिताजी तो उस समय विधायक ही नहीं थे। जितेन जी आपने ये बताया, और ये जो आपको पुनासा कि नहरों का जो पानी भी आ रहा है, तो ये यहाँ से लोगों को दिखाने ले जाते थे पुनासा कि यहाँ से नहर आएगी, यहाँ से नहर आएगी, बसों में भर के महिलाओं को, पुरुषों को केवल वहाँ दिखाने ले जाते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ 18 सालों से चल रही है और बनी, उसके बाद यहाँ पर हमने नहरों के लिए राशि स्वीकृत कराई, उसकी आधारशिला रखी, और उनको पूरा करके पानी खेतों तक पहुँचाने का काम हमारी सरकार में हुआ है। इन्होंने तो कुछ नहीं करा, आके डायरेक्ट चुंडी उड़ा दी कि हमारे पिताजी ने वहाँ सपना दिखाने ले गए थे, वो ये पूरा हो गया। भाजपा कसरावद विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है और ये चर्चाएँ रहती भी है बीच बीच में कि खरगोन जिले में और कसरावद विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा में काफ़ी गुटबाजी है, टिकट को लेकर भारी मारामारी है, वो तो संघ का दबाव है जो ये गुटबाजी उभर के सामने नहीं आती, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? नहीं ऐसा कुछ, और अगर ये गुटबाजी है तो क्या 10 साल के इंतजार के बाद फिर भाजपा आएगी, या इस बार भी मुंह तकते रह जाना पड़ेगा? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि गुटबाजी, गुटबाजी तो क्या, सब अपना अपना प्रयास करते हैं, हर विधानसभा में 8-8, 10-10 लोग टिकट मांगने वाले हैं। ये क्या कम है कि कांग्रेस में तो एक ही आदमी है, उसके अलावा कोई बोल ही नहीं रहा है, दमनकारी नीति है वहाँ पे, दूसरे आदमी ने, वो बेचारे शेरू यादव ने बोला ब्लॉक अध्यक्ष ने कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, उसको पद से हटवा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें 10 लोग आज दावेदारी कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को पार्टी टिकट दे सकती है। एक छोटे से कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा कि कार्यालय मंत्री था हमारा आलोक संजर भोपाल में, एक छोटा सा कार्यकर्ता था, उसने कभी सपने में सोचा होगा कि मेरे को सांसद बना देंगे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट दे के सांसद बना दिया। ऐसे कई उदाहरण है, सुभाष पटेल एक छोटा सा पार्षद था, उसने कभी सपने में नहीं सोचा कि मेरे को पार्टी सांसद बना सकती है, उसको बुला के और टिकट दे के सांसद बना दिया। सुमेर सिंह सोलंकी तो एक स्कूल में बेचारे पढ़ा रहे थे, उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि मेरे यहाँ, उनको फोन आया अचानक और उनको जो है राज्यसभा सांसद बना दिया। तो यहाँ पर पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को, छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ा सा बड़ा दायित्व दे सकती है, और उसको जो है सभी समर्थन देंगे, उसको सभी देते हैं, सभी ने जिताया, सभी ने काम किया, 10 लोग मांगने वाले हर पार्टी में रहते हैं और काम सब मिलके करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, मतलब दूसरी पार्टियों में ठेकेदारी चलती है कि उसके ठेकेदार गांव-गांव हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी, और कार्यकर्ता जो चाहे वो कर सकते हैं, और कार्यकर्ताओं के मनोरूप ही भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मतलब आप ये मान, हम ये मान लिया जाए कि भाजपा जिस भी कैंडिडेट को अपना चुनाव चिन्ह देगी, बाकी सारे कार्यकर्ता जो भी टिकट का दावेदार है वो उनको पूरी तरह से सहयोग देंगे। दिया ही, पहले भी दिया और आज भी दे ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मिलजुल के कसरावद का पूरे है कि दो चुनाव भाजपा यहाँ से अभी हारी। देखो एक के बाद एक, पहले भी यहाँ पर
सुभाष यादव जब यहाँ से उप मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, उन्होंने यहाँ पर अपने पद का और अपने पैसे का बहुत दुरुपयोग किया। उन्होंने कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार करके बहुत पैसा कमाया हुआ है और उस पैसे का वो खुल के इस चुनाव में उपयोग करते हैं। शराब बांटना, पैसे बांटना, लोगों को प्रभाव में लेना, उनको दबाना, उनको डराना, लेकिन अब जनता जान चुकी है, इसीलिए वो भी चुनाव हारे। और उसके बाद लगातार हम लोकसभा में भी यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। उनको भी 7 बार चुनाव लड़े रामेश्वर पाटीदार जी, 5 बार रामेश्वर जी ने उनको चुनाव हराया है, सुभाष यादव को हराया ना, 2 ही बार केवल चुनाव जीते हैं, बाकी 5 बार यहाँ से इसी धरती पे चुनाव आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए यहाँ से आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ के कार्यकर्ताओं में भी। और अभी पिछली बार आपने देख ही लिया, अभी तो बहुत सारी जनता में बहुत आक्रोश है, गांव-गांव उनके खिलाफ माहौल है। उन्होंने बहुत सारे झूठे वादे जो पिछले चुनाव में कर चुके, जनता उसका हिसाब मांग रही है। आप गांव में जाओ तो जनता हिसाब मांगने के लिए तैयार बैठी है, उनसे जहाँ जाते हैं वहाँ उनसे, उनके कार्यकर्ता ही उनसे दूर होते जा रहे हैं कि आप जनता को क्या जवाब दें। देखिए, मध्य प्रदेश में जो भाजपा और कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में जो सीटों की स्थिति थी, उसमें निमाड़ क्षेत्र का अविभाजित खरगोन बड़वानी जिला जो था, इसका बड़ा एक योगदान रहा कांग्रेस को, जो भी वहाँ पर बहुमत मिला। इस बार निमाड़ जो है, विशेषकर खरगोन जिला, ये मध्य प्रदेश की भाजपा की स्थिति में फिर सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। लेकिन आपने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, एक जिसका भी टिकट निश्चित होगा, सभी कार्यकर्ता और जो भी दावेदार हैं उसकी मदद करेंगे, अच्छी बात है। अगर ऐसा हो सकता तो भाजपा के पक्ष में बढ़िया होगा। जितेंद्र जी, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कसरावत विधानसभा सीट से आपका नाम काफ़ी ज़ोरों से उठा था, चर्चाएं ये भी रही कि आपने जिस कैंडिडेट का पार्टी ने चयन किया, आपने उसको अपना पूरा समर्थन देते हुए स्वतः स्वेच्छा से आप पीछे हटे। इस बार अगर जितेंद्र पाटीदार का नाम आता है तो क्या इस बार आप लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, या एक बार फिर आप किसी के लिए अपना समर्थन व्यक्त कर देंगे? देखो, भारतीय जनता, मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी जिसको जो भी दायित्व देती है, सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, उसका सभी कार्यकर्ता और हम सब लोग मिलकर समर्थन करेंगे। लेकिन जितेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको पार्टी बोलती है तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? पार्टी मुझे कहेगी या किसी भी कार्यकर्ता को कहेगी तो हम सब मिलकर लड़ने को तैयार हैं। कोई अकेला भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनाव नहीं लड़ता कि मैं खुद ही नेता हूँ या मैं ही लड़ सकता हूँ, सब कार्यकर्ता मिलकर लड़ते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी मंडल अध्यक्ष को बोल दिया, छोटे से कार्यकर्ता को भी कह दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो सभी मिलकर उसको लड़ाते हैं। यानी इस बार आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि कसरा विधानसभा सीट जो है वो भाजपा के झोली में ही जाने वाली जाएगी ना? बिल्कुल, तभी तो जनता की मनोदशा और सरकार के कामों को लेकर जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमको मनोस्थिति जनता की लग रही है, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रचंड मतों से विजय होगी। चलिए जितेंद्र जी, आपने सभी सवालों का जो आम जनता के बीच चर्चा है, उन सवालों का आपने बड़ी साफगोई से जवाब दिया और आपने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस, भाजपा जो है, एक बार फिर से विकास के मुद्दे पर ही कांग्रेस को पराजित करेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कसरावत विधानसभा जो है उस पर भाजपा कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म होगा और एक बार फिर से कसरावत विधानसभा सीट पर भाजपा का परचम लहराएगा। लेकिन होगा क्या ये विधानसभा चुनाव में, मतदाता जो भाग्य विधाता है विधानसभा चुनाव का, वही तय करेगा और निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये सीट किसकी झोली में जाती है, कांग्रेस या भाजपा। और इसके साथ ही संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र की स्थिति क्या होगी, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पर किसी भी पार्टी के बहुमत को लेकर अपना खासा असर डाल चुकी है। जितेंद्र जी, आज आप हमारे साथ यहाँ मुलाकात में शामिल हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही आपको शुभकामनाएं। अगर पार्टी आपको निर्देश देती है तो आप चुनाव लड़ें, बाकी जो भी निर्णय है वो जनता के हाथ में, आज आप शामिल हो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार से राजनीतिक शख्सियत के साथ हम चर्चा करते रहेंगे आने वाले कार्यक्रमों में, और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के हम विभिन्न शख्सियतों से बातचीत करेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी।